इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। बहुत ही अहम मौज़ू, बड़ा अजीब मामला है। किसी न किसी तरह से मखसूस समाज को निशाना बनाने की कोशिश बारहा की जाती है, लिहाजा लव जिहाद के नाम पर हुकूमतों ने कानून भी बनाना शुरू किया हुआ है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में कानून बनने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश ने लव जिहाद को लेकर कानून बनाया भी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी करता है तभी से लव जिहाद कहा जाएगा, या फिर कोई दूसरी तरफ भी मामला है? क्योंकि ऐसे कई मामले भी पेश आ रहे हैं और आ चुके हैं जिसमें मुस्लिम लड़की की शादी भी किसी गैर मुस्लिम के साथ हुई है। लिहाजा कानून क्या सिर्फ एक तरफा बनाया गया है? क्योंकि मखसूस समाज को किसी न किसी बहाने पहले मीडिया में बदनाम किया जाता है, फिर इसके खिलाफ कानून भी बनाया जाता है। ट्रिपल तलाक किसी पस मंजर में कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि दिगर मजाहिब में तो बिना शादी के ही लिविंग रिलेशन में सब कुछ चल जाता है। लिहाजा आज के दिन मध्य प्रदेश हुकूमत की जानिब से लव जिहाद पर कानून को मंजूर किया है, जबकि एक मुस्लिम लड़की को आज ही के दिन इस मामले को पस मंजर पर लाया गया। वैसे तो 15 दिन पहले मामला पेश आया था, लेकिन चुनावी रैलियां, चुनावी मुफाद के मद्देनजर इस मामले को दबाया गया था। खैर, मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के ने शादी करने से इनकार को लेकर जिंदा जलाया। यह मामला बिहार वैशाली जिला रसूल हबीबपुर गांव का है। गुलनाज नाम की महज 20 साल की लड़की को सिर्फ शादी के लिए इनकार सुनकर सतीश कुमार राय जैसे दरिंदे ने इसे जिंदा जला दिया। एक तरफा प्यार के जुनून में मुब्तला सतीश कुमार ने केरोसिन डालकर गुलनाज को जिंदा जला दिया। उसकी मां ने मीडिया के सामने बताया कि पिछले कई महीनों से सतीश कुमार गुलनाज के पीछे पड़ा हुआ था। 6 महीने से एक तरफा प्यार का इजहार करता रहा और हिरासा भी करता रहा, पर सतीश कुमार ने पीछा करना बरकरार रखा। बिहार पटना में गुलनाज घर में कपड़े सिलाई का काम भी करती थी। आखिर वैसे दरिंदे सतीश कुमार ने गुलनाज के घर के करीब जाकर इसके जिस्म को आग लगा दी। मासूम गुलनाज को जिंदा जलाया गया। कहा यह भी जा रहा है कि एसिड अटैक भी किया गया। लिहाजा इस मामले ने अभी तूल पकड़ी है और हैशटैग जस्टिस फॉर गुलनाज का ट्रेंडिंग भी चल रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक सतीश कुमार हिंदुत्व तंजीम का होने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि कई सारी तस्वीरें इसकी सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। चुनाव में इस मामले का असर ना हो इसलिए गुलनाज को जिंदा जलाने के मामले को छिपाया गया। ऐसा कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने भी इस मामले पर अपनी राय पेश करते हुए कहा। नीतीश कुमार ने सुशासन के नाम से इसी तरह का कुशासन किया, ऐसा भी कहा गया। लिहाजा आज मैयत को घर वालों के हवाले किया गया तो घर वालों ने जनाजे के साथ एहतजाज किया और मुजरिमों को गिरफ्तार करने की मांग की। ताज्जुब तो इस बात का है कि अब तक एक भी फर्द गिरफ्तार नहीं हुआ है। वैसे तो एक शख्स की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, पर इसे कानूनी तौर पर कोई तस्दीक अब तक नहीं हुई है। क्या लव जिहाद के नाम पर छाती पीटने वाले इसे क्या कहेंगे? आखिर 15 दिन तक मामले को क्यों छिपाया गया? ईद मिलाद के दिन ही इस घर के करीब जाकर सतीश कुमार दरिंदे ने उस गुलनाज को जिंदा जलाया जिसकी शादी महज 4 महीने बाद होने वाली थी। अब ऐसे दरिंदों को क्या किया जाए? या किसी और धर्म का है इसलिए इसे छोड़ दिया जाए, या फिर अकलियती समाज की लड़की को जिंदा जलाने के लिए इसे देशभक्त भी कहा जाएगा? आजकल तो लव जिहाद पर कानून भी बनाए जा रहे हैं, क्या इस मामले के लिए कोई कानून है या नहीं है? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। सैकड़ों दरिंदे आज भी सतीश कुमार की शक्ल में इसी की सोच फिक्र से मुतासिर होकर कहीं तो घूम रहे होंगे, किसी गांव में घूम रहे होंगे या हर गांव में घूम रहे होंगे, किसी गुलनाज को फिर जिंदा जलाने की साजिश भी कर रहे होंगे। पर इस मामले पर तो समाज खामोश रहता है, क्योंकि माहौल सिर्फ लव जिहाद का बनाया जा रहा है, कानून भी इसी पर बनाया जा रहा है। पर सच्चाई यह है कि जुर्म, मुजरिम, गुनाह किसी मजहब धर्म से वास्ता नहीं रखता। अगर वाकई किसी धर्म मजहब की बुनियाद पर ही सजा देनी है तो आखिर अदालतों में बहस किस बुनियाद पर होगी? सिर्फ किसी धर्म मजहब की बुनियाद पर इंतहा की नफरत मुल्क को तरक्की राह पर नहीं ले जा सकता, और यही सच्चाई है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हमारे पास कोई नहीं, सिर्फ हम सिलाई कर बाल बच्चे को पाल रहे हैं। बच्ची मेरी घर पे सिलाई करती थी,
वो लड़की से छेड़खानी कर रहा था, नया रोड ढलाई हुआ था, वहाँ पर अड्डेबाजी मार रहा था। मेरी लड़की बोली कि यहाँ पर तुम लोग हम लोग को कुछ बोलो नहीं। वह बोला कि यहाँ पर रोड खरीदे, यहाँ पर होगा, बोलेगी तो मर्डर होगा। इसी पर वो लड़की को आग लगाया गया। 4 महीना शादी को बचा था मेरी बच्ची को।